दोस्तों, कोलकाता से बेंगलोर का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए हम यहां आए थे और पाकिस्तान टीम के साथ ही हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम आज पहुंच चुकी है बेंगलुरु और हम बस अब रवाना हो रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपको छोटी सी अपडेट दे दें पाकिस्तान टीम की और थोड़ा सा ये कोलकाता शहर का कुछ इवनिंग का व्यू भी दिखा सकें। तो ऊबर राइड हमने करवाई हुई है और उसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम की जहां तक बात है, पाकिस्तान टीम ने कल बांग्लादेश को हराया था 7 विकेटों से, लेकिन अभी सिचुएशन पाकिस्तान टीम के हाथ में तो नहीं है। लेकिन आज जो न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, उसके ऊपर सबकी निगाहें हैं, फैंस की निगाहें हैं कि उस मैच का रिज़ल्ट पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला भी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम 4 मैचेस अपने हारी है इस टूर्नामेंट में, जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ है। ये देखें जी, ये आदिल बिरयानी यहाँ की बहुत मशहूर है, ये मेन रोड है, कारमा रेस्टोरेंट, होटल प्लाटिनियम। कौन सा रोड है जी ये? सही रंग है, ये ट्राम का ट्रैक भी है इस रोड के ऊपर। और ये देखें, ये 7 से 8 रोड्स जो है इस गोल चक्कर पर आकर मिलती हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन से। ये एक ट्रैफिक इस साइड से आ रही है, एक देखें ये मेरे राइट साइड से भी आ रही है, एक ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है जहाँ से ट्रैफिक जा रही है, और ये इस लेफ़्ट साइड से भी काफ़ी ट्रैफिक है जो आ रही होती है। तो ये मेन राउंड अबाउट है यहाँ पे कोलकाता का। और जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बात है, तो पाकिस्तान टीम ने अब अगला मैच 4 नवंबर को खेलना है न्यूज़ीलैंड के खिलाफ, और जो कम्बिनेशन पाकिस्तान ने खिलाया था, उम्मीद यही की जा रही है और ज़राए भी हमें ये बता रहे हैं कि उसी कम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान टीम न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। बेंगलोर की आपको अगर विकेट की बात बताऊं तो वो काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और हाई स्कोरिंग गेम वहाँ पर होता है, और पाकिस्तान ने जब वहाँ पर अपना मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहाँ पर 365 रन बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए, और 250 से ज़ायद रन की पार्टनरशिप भी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाजों ने। तो पाकिस्तान की अच्छी खासी धुलाई हुई थी उस मैच में, और क्योंकि वो विकेट बैटिंग फ्रेंडली था इसलिए बॉलर्स को बिल्कुल मदद नहीं मिल रही थी। जवाब में पाकिस्तान का जो चेस था वो भी अच्छा था, पाकिस्तान ने भी बड़ी पार्टनरशिप लगाई थी स्टार्ट में, फिर मिड में भी, लेकिन बड़ी उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई बड़ी पार्टनरशिप थी वो नहीं ये लोग लगा सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को मैच 62-63 रन से हार गई थी। ये फ्लाईओवर है जी, ईएम बाईपास, मतलब ये हम एयरपोर्ट की तरफ रवा दवा है। कोलकाता शहर की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हम चेन्नई आए थे, और यहाँ पर येलो टैक्सी बहुत फेमस है, एम्बेसडर टैक्सीज हैं, इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट भी बनाई थी। और फ्लाईओवर काफ़ी है यहाँ पर, चेन्नई से बड़ा ये शहर है, ये वेस्ट बंगाल की का दारुल हुकूमत भी है, और यहाँ पर काफ़ी मोनोमेंट्स हैं, काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पर, छोटे छोटे फ्लैट्स भी बने हुए हैं यहाँ पर, तो एक कंप्लीट मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, चौथी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया की। और यहाँ पर ऑटोमोबाइल, साउथ इंडियन फूड, उसके अलावा जो यहाँ का टिपिकल बंगाली खाना है वो भी यहाँ पर मिलता है, मछली यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं, इसके अलावा यहाँ की जो मिठाई है वो बहुत मशहूर है, रसगुल्ले ख़ास तौर पर, और एक वो मछली डोई, एक यहाँ पर मीठा दही मिलता है वो भी बहुत मशहूर है। ये फ्लाईओवर है कोलकाता का, कौन सा फ्लाईओवर है सर ये? तो माबली बुलाया था, माबली बुलाया था, माबली।
महाब्री, हाँ महाब्री फ्लाईओवर है जी ये, भाई बता रहे हैं। और यहाँ पर हावड़ा पुल भी जो है वो बहुत मशहूर है, कोलकाता का ईडन गार्डन्स की बैक साइड पर ये हावड़ा पुल लगता है, वहाँ पर हम नहीं जा सके। देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है। तो ये शहर की सूरत हाल है, ये शहर का व्यू है। तो जब हम एयरपोर्ट के करीब पहुँचेंगे तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये अब आगे जिस रास्ते के ज़रिए हम जा रहे हैं, यहाँ पे आगे ITC, ये रॉयल बंगाल होटल है 5 स्टार, और उसके साथ आगे JW मैरियट भी आता है। तो यहाँ के बड़े मशहूर होटल हैं, यहाँ पर जितने भी गैर मुल्की लोग हैं और जितने भी बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं। यहाँ के खाने बड़े अच्छे हैं, रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं। देखें आज हमें विक्टोरिया मेमोरियल जाने का इत्तेफाक हुआ और हम वहाँ गए तो वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने। 1906 में वो इमारत बनी थी और 1921 में उसका काम मुकम्मल हो गया था। वो मलका एम्प्रेस थी जिनके याद में वो बनाया गया था। तो उसके बारे में भी हम एक आपको रिपोर्ट अपने चैनल के ऊपर दिखाएंगे। और क्रिकेट साथ साथ चलती रहेगी क्योंकि हमारी मेन डोमेन तो स्पोर्ट्स है। तो ये तो हम सफ़र कर रहे हैं तो फिर हम साथ साथ आपको वीलॉग भी करते हुए दिखा रहे हैं। स्विमिंग पूल है वो। कौन सा पूल है? स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल है। अच्छा वो स्विमिंग पूल है। हाँ, दो बिल्डिंग के बीच में। अच्छा वाह। इसमें 3 करोड़ से नीचे कोई फ्लैग ही नहीं है। ये जी ये बिल्डिंग है बड़ी मशहूर, और ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये एक स्विमिंग पूल बना हुआ है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्लैट 3 करोड़ रुपए का है इंडियन रुपी में। तो ये साथ ही इसके साथ देखें तो ये भी एक सेंट सिटी है, ये घूमने वाला है, पूल घर है इसका अंदर में। अच्छा हाँ। तो ये यहाँ पर आना चाहिए था हमें। हाँ, भी है साइंस सिटी। अच्छा और यहाँ पर क्या क्या मशहूर जगह है? यहाँ तो बहुत घूमने वाला मस्त। अच्छा पुराना ये है ना, पुराना राजधानी पहले बंगाली थे तो इसके लिए यहाँ पे तो बहुत सारा घूमने वाला चीज़ है। यहाँ सुंदरबन जाएंगे तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा शेर सब जंगल में ऐसे ही। हाँ, ये देखें जी जरा, ये इसके मनाजिर हैं ITC के, ये बैक साइड के ऊपर हम आ गए हैं। साथ ही आगे मैरियट है, ये देखें। ये हमने रात के मनाजिर भी आपको दिखाए थे अपनी एक वीडियो में, और अब ये हम शाम के मनाजिर दिखा रहे हैं। रात के वक्त तो इसका, इस बिल्डिंग का जो नज़ारा है ना वो और भी शानदार हो जाता है, दिलकश हो जाता है, आई कैचिंग होता है बहुत ज़्यादा लाइट्स के साथ। ये भी JW मैरियट है और ये भी बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है। अच्छा वो साइड पे पहाड़ भी हैं जी, यहाँ से तो नहीं नज़र आएगा लेकिन हाँ उधर से नज़र आता है। ये जी कलकत्ता शहर हमने आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की है। तो आप हमारा चैनल देखते रहें Dugout 360, उसके ऊपर हम स्पोर्ट्स की और क्रिकेट की खबरें तो अपडेट करते रहते हैं। कभी कभार हम वीलॉग भी करते हैं जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं। तो आप लोगों का जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है और उसके थ्रू ही हम लोग वीडियोस मुख्तलिफ बनाते हैं। ये बंडा ऊपर बंडा, ये जो कंस्ट्रक्शन अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो पिलर लगे हुए हैं, क्रेन लगी हुई है, ये मेट्रो का फ्लाईओवर बन रहा है। और ये जो मेट्रो ट्रेन है ये आपको एयरपोर्ट से मिलाएगी,
वैसे तो अंडरग्राउंड भी चलती है यहाँ कोलकाता में, लेकिन ये जो काम हो रहा है, ये जो जिन लोगों ने एयरपोर्ट जाना होता है उन लोगों के लिए ये खास तौर पर बन रही है। जिस तरह मैं हूँ, अगर मैंने जाना है तो अभी मैं गाड़ी पर आया हूँ, तो वो मैं ट्रेन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मेरा ख्याल है इसको मज़ीद 5-6 महीने लगेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन में, या हो सकता है साल भी लग जाए। बताइए हमें कि क्या है यहाँ पे? एकोटिका फ्री है। अच्छा, मतलब फ्लोटिंग वाला। अच्छा, फ्लोटिंग तैरने उड़ने के लिए, राइड करने के, राइड बहुत सारा, 100 करीब राइड है उसके अंदर में। अच्छा हाँ, बहुत सारा राइड सब है। सही। तो यहाँ पर ये बताएं कि क्रिकेट का आपको शौक है? क्रिकेट का सर उन लोगों को उतना शौक तो नहीं है इंडिया में, लेकिन यहाँ कोलकाता में और वैसे क्रिकेट के बहुत फैन है। हाँ, कोलकाता में क्रिकेट से तो हमको जैसा लगता है फुटबॉल का भी बहुत फैन है, तो क्रिकेट का भी। यहाँ जैसे सौरव गांगुली है, जिसको लोग दादा के नाम से जानता है। हाँ, सौरव गांगुली बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो ये बताएं, आप पाकिस्तान के प्लेयर्स को जानते हैं? हम इंडियन प्लेयर को। बाबर का नाम सुना है? बाबर आजम। हाँ, वो कप्तान है, इतना सुने हैं। हाँ, उससे ज्यादा हमको इस सब में से प्लेयर है ना, अच्छा प्लेयर है वो। हाँ, अच्छा प्लेयर है। फॉर्म नहीं चल रहा उसका? मेन बात हो जाता है ना, सब जगह सब तरह का नहीं चलता है, जो अपना अपना पिच रहता है ना, पिच का एक तो गुंजाइश किया रहता है। हाँ, अपना पिच पे सब खेलने में सबको मजा आता है। सही, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि कंडीशंस का फर्क होता है, विकेट का फर्क होता है। अब बाबर ने अभी यहाँ पे इंडिया में इतने मैचेस नहीं खेले, अब पहली दफा यहाँ पे पाकिस्तान की टीम आई है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, पाकिस्तान जीतता है, किस्मत साथ देती है या नहीं। साउथ अफ्रीका का आज जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, हम तो दुआ कर रहे हैं और पाकिस्तानी फैंस भी कर रहे हैं। शॉर्ट लेग स्टेडियम राइट में। कौन सा जी? शॉर्ट लेग स्टेडियम राइट में, वहाँ गेट है आगे से, गेट है पूरा स्टेडियम, वहाँ से जहाँ सिंगल से पार्ट के सिंगल तक है, हयात होटल तक, हयात होटल है। अच्छा, ये फुटबॉल स्टेडियम था ना जी? अभी भी वही है, फुटबॉल स्टेडियम। ये देखें जी, शाम के वक्त नज़ारा इस शहर का यकसर मुख्तलिफ है। दिन में काफ़ी गर्मी थी आज और काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी। ये देखें जी, ये फुटबॉल स्टेडियम है, बिस्वा बंगला। बिस्वा आपको अगर नज़र आ रही हो तो ये बिल्कुल, ये फुटबॉल स्टेडियम है जी यहाँ का, कोलकाता का बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है ये। ये शहर के बीचों बीच चलती है ये ट्रेन, ये ऊपर इसका फ्लाईओवर है, ये हम उसके नीचे से जा रहे हैं। ये देखिए सॉल्ट लेक स्टेडियम, देखें जी ये मनी स्क्वेयर है, ये शॉपिंग मॉल है यहाँ पे बहुत बड़ा, और ये इसके साइड पे भी देखें काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स है। बंगाल केमिकल, यहाँ पर दुर्गा पूजा फेस्टिवल हुआ था, उसकी वजह से ये बांस वगैरह जो आपको नज़र आ रहे हैं रास्ते में लगे हुए, ये उसकी वजह से लगाए गए थे, और ये यहाँ तक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ पर, ये रिलीजियस फेस्टिवल है यहाँ पर बंगाल में, कोलकाता में। एयरपोर्ट यहाँ से जी 10 किलोमीटर है अभी मज़ीद। खलीफा बना दिया था। अच्छा, देखें जी अब 8 किलोमीटर दूर रह गया एयरपोर्ट, तो बस अब हम और 15 से 20 मिनट तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एक टावर बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ा टावर है, क्या बोलते हैं जी? टावर बोलते हैं जो लंदन में बना हुआ है।
वो अभी जी टावर आता है तो हम आपको दिखाते हैं, रास्ते में ही आएगा हमारे टावर। ये जी कलकत्ता का क्लोक टावर है, बड़ा मशहूर, ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये एयरपोर्ट के रास्ते में ही आता है। तो अब ये आप देखेंगे, ये क्लॉक टावर है, ये हूबहू लंदन जैसा लगता है, उसकी कॉपी है। और देखें इसमें टाइम चल रहा है अभी, काफ़ी मेंटेनेंस में करके रखा हुआ। लाइटिंग देखो कितनी ज़बरदस्त है इसकी, तो बंद है लाइटिंग, तो और मेंटेनेंस किया हुआ अभी। ये इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद, और ये मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है। ये देखें नीचे से इसका व्यू है, ये इसके ऊपर का, ये हूबहू लंदन जैसा है और बिल्कुल लगता है। यहाँ से तो नहीं आपको नज़र आएगा, ये अब हम आगे जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये देखिए जी, इर्द गिर्द यहाँ पर पार्क कब बना दिए गए, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने ये बता रहे हैं, पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था, इर्द गिर्द कोई तामीर नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बहुत स्मेल आता था यहाँ से। तो आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पर पार्क इसको बनाया जा रहा है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि कश्तियाँ वगैरह, बोट्स वगैरह यहाँ पर चला करेंगी। तो ये सूरत हाल है, बस अब एयरपोर्ट तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर लोकल बसें यहाँ पर चलती हैं, गवर्नमेंट का WBTC, इसका किराया भी 30-40 रुपए है। एसी बसें भी यहाँ पर चलती हैं। एयरपोर्ट के करीब हम पहुँचने वाले हैं, एयरपोर्ट की हदूद में। और ये हम फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं एयरपोर्ट के, और आई नो के लाइट काफ़ी डिफ्लेक्ट हो रही है फोन से। ये एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये लेफ्ट साइड पर हॉलीडे इन एक्सप्रेस होटल भी है यहाँ पर एयरपोर्ट के करीब। अगर किसी ने एयरपोर्ट के पास रुकना है तो वो इस होटल के अंदर रुक सकता है। ये होटल है, देखिए नीचे से आपको व्यू भी नज़र आ रहा है, फ्लाईओवर से नीचे से ट्रैफिक जा रही है उसका। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, सामने आप देखें तो ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है यहाँ पर कोलकाता का। ये नया एयरपोर्ट बना है यहाँ पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नया नहीं है, बहुत पुराना है, बट इसको रेनोवेट किया गया है, इसको दोबारा से। ये देखेंगे फाइटर जेट भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये एयरपोर्ट की तरफ हम लोग, इतना फोर्स है ना, चिड़िया भी क्यों नहीं मार सकता, इतना फोर्स दिया हुआ है ये। यहाँ पर जी बता रहे हैं कि सिक्योरिटी बहुत सख्त है यहाँ पर, सर्वेलियंस होती है कैमरों से, नहीं करने देते। ये इसका लुक है, अच्छा है, साफ सुथरा, क्लीन रखना अच्छा बात है ना। सिक्योरिटी नहीं रहेगा, कोई गुटखा बनाएगा, कोई खैनी खाएगा, ऐसे ही है। ये जी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तीन नंबर पे होगा ना इंटरनेशनल, इंडिगो पे जाना है मैंने, इंडिगो देखी का आएगा, हाँ बस इधर इंडिगो पे उतारना है। ये है जी एयरपोर्ट कोलकाता का, तो ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो डगआउट 360 आप देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए।